नमस्कार किसान साथियों, मैं फार्मर द जर्नलिस्ट डीके मौर्या आप सभी का एक बार फिर कृषि जागरण में स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हूं। हमारे किसान भाई दवा का छिड़काव कर रहे हैं अपनी फसल में। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, इनके जो फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा चींटे लगे हुए हैं और उसी को हटाने के लिए उसको दवा का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो खेती किए हैं वो फसल जो तैयार हो रहा है पौधे में काट दे रहे हैं, सूख जा रहा है, इसी को लेकर हमारे किसान भाई छिड़काव कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर किसान खाद दवा में ही अपनी पूरी लागत लगा देता है, पूरी इनकम उन्हीं में चला जाता है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और मैं चाहूँगा कि इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए और इनको बताया जाए कि किस प्रकार आप खेती करें और कोशिश करें कि पेस्टिसाइड का कम यूज करें, रासायनिक मुक्त खेती करें, जिससे कि पौधे के भी स्वास्थ्य सही रहे और किसान भाइयों का भी स्वास्थ्य सही रहे। मैं किसान भाइयों से ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक बार प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। प्राकृतिक खेती का डिमांड इस समय पूरे वर्ल्ड में ज़बरदस्त बढ़ रहा है और हमारे देश में तो इस समय सबसे तेज़ी के साथ इसी पर बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती को जीरो बजट की खेती कहा जाता है। और आपको जो पेस्टिसाइड में खाद में पैसा जाता है वो बचेगा, जिससे कि अपने इनकम को दुगनी करने की ओर अग्रसर हो सके अगर वो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो। हमारे किसान भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जो खेती किया है और इसमें चीटे लगे थे, तो आपका क्या नाम है? अनिल कुमार मौर्या जी। अनिल जी, ये बताएं कि आप पेस्टिसाइड का यूज क्यों कर रहे हैं? ये चूटा लगा हुआ है। अच्छा, चूटा लगा है तो उसको मारने के लिए आप दवा का यूज कर रहे हैं? दवा मार रहे हैं। चीटे से इस पौधे पर क्या हानि पहुंच रही है? हानि क्या पहुंच रहा है, सोच रहा है अच्छा रहेगा, पौधा सही रहेगा। पौधा सही रहेगा क्योंकि चीटे पेड़ को काट देते होंगे। काट देते हैं, फल ही नहीं ले रहा है। काट देते हैं जिससे फल नहीं आता है, तो किसान की जो मेहनत होता है वो सब नुकसान हो जाता है। और किसान तो हर वक्त मारा ही जाता है हर तरफ से, प्रकृति से भी, जानवर जीव जंतु सभी तरह से। अगर किसान कंटिन्यू खेत में अपना अगर ध्यान ना दे तो फिर उसको कुछ भी ना मिल सके और वो अपने खाने के लिए भी मोहताज हो जाए। जानवर भी चल रहे हैं, जानवरों से भी काफ़ी परेशान है हमारे यहाँ के किसान। इस पे भी कोई लगाम नहीं है, बहुत छुट्टे जानवर बहुत आ जाते हैं, खेत में नुकसान कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा जीवन यापन करने के लिए खेती करते हैं कि कम से कम किसी तरह चले, पेट अपना भरने के लिए काम करते रहते हैं। और जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा, इस तरह खेती करते हैं सब हमारे फार्मर्स यहाँ पे। और बड़े पैमाने पे खेती तो नहीं कर पाते क्योंकि उनको ज़्यादातर नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन इनको मैं चाहूँगा कि कृषि जागरण के माध्यम से आप ये प्रशासन तक बात पहुँचे, हमारे सभी किसान भाइयों को एक खेती की नई तकनीकी का ट्रेनिंग मिले, जिससे कि वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और उसमें केमिकल मुक्त खेती करने की ओर अग्रसर बढ़ें, जिससे कि खेत भी स्वस्थ रहे, मनुष्य भी स्वस्थ रहें। मैं आप सबको एक बार फिर कृषि जागरण में धन्यवाद देता हूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।